जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में कुछ सरप्राइज आने वाला है। मैंने ये बात टीजर में भी करी थी कि मैं इस कोर्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालूंगा जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और मज़ा आएगा। इस वीडियो से आप लोग जीत सकते हैं 500 रुपये का एक अमेजॉन वाउचर जो कि मैं आप लोगों को दूंगा फ्रॉम माई ओन पॉकेट। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सब लोग जरूर सॉल्व करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर विनिंग द वाउचर और नॉट। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको सॉल्व करें, रैपल बनाएं अपनी अपनी और उस रैपल का लिंक पोस्ट करना आप लोग मेरी रैपल के कॉमेंट सेक्शन में, जो मैंने रैपल बनाई है उसके कॉमेंट सेक्शन में। सो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट सी वट दिस एक्सरसाइज इज अबाउट। सो गाइस, अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज वन की तरफ जिसमें कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है और इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ है, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत करना सबसे पहले, तो पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों को इसको रैपलेट पे करना है ताकि मैं क्विकली चेक कर सकूं कि आपकी रैपल चल रही है कि नहीं चल रही है, मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े कोड आपका, जो कि मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइजेज में भी, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। ठीक है, सुन लो ध्यान से क्वेश्चन पहले, फिर बताऊंगा क्या प्राइजेस हैं इसको सॉल्व करने के और किसको मिलेगा वो प्राइस। ठीक है, द प्रोग्राम देन टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूजर टू टेल देम वेदर द गेस वॉज करेक्ट ग्रेटर और लेसर देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करोगे। ठीक है, अब रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं तो आपने बताया ही नहीं, गूगल करो, गूगल पर देखो। मैं एक हिंट देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम, देखो क्या है मैथ डॉट रैंडम, स्टैक ओवरफ्लो पर जाओ, आपको मिल जाएगा वो कोड जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट अभी आपको खुद करना है। मैं चाहता हूँ एक चैलेंज की तरह लो इस चीज़ को आप और सर्च करो। ठीक है, और एक बार आपने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, मान लो आपने एक वेरिएबल बना लिया लेट नंबर इज इक्वल टू जो भी कोड है रैंडम नंबर जनरेट करने का वो, और आपका रैंडम नंबर अब जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इस रैंडम नंबर को लेकर आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे नम, और उसके बाद यूज़र से कहोगे चलो अब तुम अपना गैस बताओ ये नंबर क्या है। मान लो आपने 68 गैस किया, सॉरी जनरेट किया, और आपने 91 गैस किया। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये गैस गलत है, जो एक्चुअल नंबर है वो 91 से छोटा है। ठीक है, फिर मान लो आपने 58 लिख दिया, फिर बताया जाएगा कि ये गैस छोटा है, जो एक्चुअल नंबर है वो 68 है तो 58 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 58 और 91 के बीच में नंबर है। तो इसी तरह से आप जो है करते करते उस नंबर तक पहुँच जाओगे। कितने गैसेस लगेंगे आपको, एटमोस्ट 100 तो नहीं लगेंगे कभी भी। ठीक है, अगर 1 से 100 के बीच में नंबर है यार, अगर 100 गैसेस लग रहे हैं आपको तो क्या हो फिर आप। ठीक है, तो खेलो ही मत गेम। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को मान लो 10 गैस लग रहे हैं तो आपका स्कोर होगा 90। ठीक है, 100 माइनस नंबर ऑफ गैसेस ये स्कोर होगा। ठीक है, क्यों लिया मैंने ऐसा नंबर, जितना बड़ा स्कोर होगा उतना अच्छा प्लेयर होगा। ठीक है, किसी ने एक अगर चांस लिया है सिर्फ नंबर को गैस करने में तो उसका स्कोर 99 होगा, किसी ने 10 लिया तो उसका 90 होगा, तो 99 वाला क्लियरली बेटर है। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ एक गैस में कर दिया काम, तो ये स्कोर होगा यूज़र का। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट वंस द नंबर इज गेस्ट। ठीक है, एक बार नंबर गैस कर दिया जाए तो आप बता दो कि हाँ भाई यही नंबर है, आपने इतने नंबर ऑफ गैसेस में इसको गैस किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब आपको खुद को नहीं पता होगा कि नंबर क्या है क्योंकि वो तो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो आप खुद भी खेल सकते हो इस गेम को, फिर एंड में बता दो आपके भाई ये वाला जनरेट हुआ था नंबर। ठीक है, क्योंकि आप गैस कर लोगे इवेंचुअली उसको। आई होप कि आप समझ गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझना ध्यान से उसके बाद करना। ठीक है, और ये करने के कुछ रूल्स आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ रूल्स दे रहा हूँ क्योंकि मुझे देना एक प्राइस, एक इंसान को मिलेगा वो प्राइस, और क्योंकि मुझे प्राइस देना है तो मैं चीज़ों को फेयर रखना चाहता हूँ। रूल नंबर वन जो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग क्या करो कि रैपलेट पर इसको सॉल्व करके अपनी रैपलेट में कवर इमेज लगाओ। ठीक है, यानी कि आपकी जो रैपल है उसमें कवर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, गैस द नंबर आपका जो नंबर है उसकी कोई भी एक अच्छी इमेज लगा दो आप। ठीक है, जिससे पता चले कि एक्चुअल में क्या है। जैसे कि मैं लगाता हूँ अपनी रैपल्स में, आप लोग देखोगे कि अगर आप मेरी कोई भी, जैसे ये फर्स्ट वाली रैपल है, इसमें मैंने थंबनेल लगा रखा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो का कोड है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं व्यू ऑल कमेंट्स करके आपके जो कमेंट्स हैं वो देख पाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हो आपके सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर देख पाऊंगा। ठीक है, लोड मोर कमेंट्स करके मैं सारे कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपको अपनी रैपल कमेंट कर देना है यहाँ पर, आपको कमेंट में अपनी रैपल दे देना है कि भाई ये रैपल मैंने बनाई, पहले बना लेना अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करना कि अपनी रैपल को कमेंट आउट कमेंट कर देना, लिंक अपनी रैपल का। ठीक है, अपनी रैपल का लिंक कमेंट कर देना, जो भी सबसे पहले सबसे अच्छी रैपल। अब देखो सबसे पहले सबसे अच्छी रैपल हम लोग साथ में डिसाइड करेंगे इस वीडियो के सॉल्यूशन वीडियो में कि किसकी सबसे, किसने सबसे पहले सबसे अच्छी रैपल बनाई। अगर आपने जल्दीबाजी करके बना के और पेस्ट कर दी तो
वो मैं नहीं मानूंगा। अगर आपने एडिट किया अपना कमेंट तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी एक अच्छी सी रैपल बनाओ। आपने अगर इस वीडियो को पहले देख लिया तो आपके पास एडवांटेज है, आप एक रैपल बनाओ, ठीक है, उसमें कोड लिखो, उसको पोस्ट करो, उसमें कवर इमेज लगाओ। कवर इमेज लगाकर आप उसका लिंक जो है रैपल का, जो कि ये वाला पार्ट होता है, ये कॉपी करके आप इस वाले क्वेश्चन में पोस्ट करना, इस वाली रैपल में पोस्ट करना, मेरी 22_exercise1 वाली रैपल में आप इसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन वाला वीडियो देखना है, मैं बताऊंगा आप अपना प्राइस कैसे क्लेम करोगे। प्राइस क्या है, ₹500 अमेज़न वाउचर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्राइस अमाउंट लिख देता हूँ, ₹500 का अमेज़न वाउचर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो कि सबसे पहले एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जनरेट करना है रैंडम नंबर। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है कि कीप आस्किंग फॉर द नंबर अनटिल द करेक्ट नंबर इज गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को, लेट चांसेस इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। जितनी बार बंदा गैस कर रहा है, ट्राई कर रहा है, आपको +1 +1 इसमें करते जाना है, ठीक है, चांसेस में। तो ये आपको करना है, इवेंचुअली आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है क्या, सबसे पहले तो डिस्प्ले करना है आपको, डिस्प्ले दी नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, इनफैक्ट 100 माइनस नंबर ऑफ चांसेस जो कि हमारा स्कोर है, ठीक है, वो आपको करना है पोस्ट। और उसी के साथ साथ आप लोगों को एंड द एक्चुअल नंबर, आपको एक्चुअल नंबर भी पोस्ट करना है, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। प्राइस ₹500 अमेज़न वाउचर, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये प्राइस अमाउंट है। और सिर्फ एक को दूंगा, और आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार एक ही बंदे को मिल रहा है, जिसको नहीं मिला ये मत कहना यार आपने बहुत बड़ी चीज़ खो दी। सिंपल सी चीज़ है यार, देखो एक को मिल रहा है, एक को मैं दे पाऊँगा, ठीक है, एक को दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक फन एलिमेंट लाने के लिए कोर्स में, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सीखो, आने वाले वीडियोस को सीखो। देखो अगर आपने पूरा जावास्क्रिप्ट कोर्स कर लिया तो दैट इज़ मच 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 ग्रेटर देन अर्निंग ऑफ ₹500 अमेज़न वाउचर। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको जल्दी आके कोई एक इंसान को मैं दे दूंगा ₹500 का अमेज़न गिफ्ट वाउचर, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी देकर और आप लोगों को भी मज़ा आएगा थोड़ा सा, ठीक है, एक गेम की तरह फील होगी लर्निंग, ठीक है, और क्या है। तो आप लोग जो है ज़रूर से इसको ट्राई आउट करो, ठीक है, एक रैपल बनाओ अपनी, और मैं उस रैपल को रन करके देखूंगा, रन होनी चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए और बढ़िया रन होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ मत डालना जो कि नहीं पढ़ाई गई है, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। ये नहीं कि आपने बहुत बड़े ग्राफिक्स वगैरह डाल दिए कहीं और से सीखे, नहीं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर लर्निंग फ्रॉम द कोर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर रैपल, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।